ये तय कर दिया है कि अब एक बार नहीं बल्कि आपकी वर्ष में 4 बार जेईई की परीक्षाएं होंगी। जितने सुझाव मिले हैं वो जेईई एडवांस परीक्षा के लिए जो अर्हता निर्धारित करेगी उसमें ये तय कर दिया है कि अब एक बार नहीं बल्कि आपकी वर्ष में 4 बार जेईई की परीक्षाएं होंगी ताकि हर छात्र को बहुत अच्छे तरीके से उसको अवसर मिल जाएगा। और 4 सत्रों में जो कराई जाएंगी वो पहला फरवरी में होगा, दूसरा मार्च में होगा, तीसरा अप्रैल में होगा और चौथा मई में होगा। और ये जो 4 सत्र में परीक्षा होगी एनटीए के द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा, वो परीक्षाएं आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकेंगे। और जो पहला सत्र होगा, जो पहला सत्र है फरवरी का, ये इसकी जो तिथियां हैं वो भी घोषित कर दी गई हैं। ये परीक्षा की जो तिथि होगी वो 23 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी ये परीक्षाएं जो आपकी जेईई मेंस की परीक्षा है। और उसके बाद फरवरी के बाद मार्च में भी तिथियां होंगी, मार्च के बाद अप्रैल में भी होंगी, फिर मई में भी होंगी। पहली बार देश के अंदर जो जेईई की जो मुख्य परीक्षा होगी वो पहली बार 13 भाषाओं में आयोजित हो रही है। वो अंग्रेजी में, असमिया में, बंगाली में, हिंदी में, गुजराती में, कन्नड़ में, मलयालम में, मराठी में, उड़िया में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में, और ये जितनी ये भारतीय भाषाएं हैं इन भारतीय भाषाओं में पहली बार ये जेईई की परीक्षा होगी।